कुल्लू जिला में ओएलएस निजी स्कूल ने गोल्डन जुबली समारोह धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पहली कक्षा से दसवीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि कुरियन जोसेफ ने ICACE में टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कुल्लू जिला में ओएलएस निजी स्कूल में गोल्डन जुबली समारोह के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अभिभावकों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में बच्चे संस्कार भूल रहे हैं। जोसेफ ने कहा कि पहले पूरा परिवार एक साथ रहता था और बच्चों को दादा दादी भी संस्कार देते थे, लेकिन अब कई परिवार अलग रहते हैं जिससे बच्चों में संस्कार की कमी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार दें ताकि बच्चे बड़ों का आदर सत्कार करें। उन्होंने कहा कि ओएलएस में पढ़े बच्चे देश में अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। School to them. While taking a cup of tea, we were just discussing and what's the difference between teaching and educating. We all lived in a generation where we were properly educated. इस अवसर पर पहली कक्षा से दसवीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने ICACE में टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कैसे ये पोजीशन पर आए? डेफिनेटली व्हाट जस्टिस सेड, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये आपके बच्चों ने दिखाया है। आई कंग्रेचुलेट ऑल दीज वंडरफुल पेरेंट्स बिकॉज यू गेव द प्रॉपर एटमॉस्फेयर एंड आई कैन सी ऑल ऑफ यू सो अटेंटिव लिसनिंग। God bless each one of you. Give them this beautiful atmosphere of love. In life is to build a bridge of hope on a sea of despair. To build a bridge of hope. The 50 years of this school, of this institution has been the bridge connecting and the values and the principles and giving light and hope. City Channel के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।